नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। नायब सैनी दूसरी बार लेंगे हरियाणा में सीएम पद की शपथ। सुबह 7:50 पर विशेष विमान से चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। सुबह 11 सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। चंडीगढ़ में सीएम कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। रात 9 वापस रायपुर पहुंचेंगे सीएम साय। दरअसल हरियाणा में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, जबकि नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित किया जा चुका था। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो सुबह 11 सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो वहीं दोपहर 3 चंडीगढ़ में सीएम कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। हरियाणा में फिर नायब सैनी लेंगे सीएम पद की शपथ और इसी समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे सीएम साय। सुबह 7:50 पर विशेष विमान से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, कल सीएम विष्णुदेव साय हरियाणा दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल कविता, क्योंकि कल हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण होना है। नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाए गए हैं, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भी सीएम विष्णुदेव साय, उनके साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस मुख्य रूप से सुबह ही रवाना हो जाएंगे तीनों एक साथ, उसके बाद फिर वहाँ 11 जो सीएम के शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शिरकत करेंगे। और कुल मिलाकर क्योंकि बीजेपी की सरकार में वापसी हुई हरियाणा में, एक उत्साह है और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण में एक साक्षी बनेंगे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि इसके बाद उस कार्यक्रम के बाद एक सीएम कॉन्क्लेव भी है, सीएम कॉन्क्लेव का भी आयोजन चंडीगढ़ में हो रहा है, जिसमें सभी राज्यों के जो सीएम है वो शामिल होंगे और किस तरह से योजनाएं पूरे देश भर में चलाई जा रही, सभी राज्यों की क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर एक भी मंथन होगा इस सीएम कॉन्क्लेव में। तो सीएम शपथ ग्रहण के साथ ही जो सीएम का कॉन्क्लेव है चंडीगढ़ में, उसमें भी दोपहर बाद 3 से जो कॉन्क्लेव शुरू होना है उसमें भी सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। जी कविता, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका दिलीप बहुत ही धन्यवाद।